हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे गॉस लॉ, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। गॉस लॉ डिस्कस करने से पहले हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन हमें स्टडी करनी है कि चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरीके से की जा सकती है। तो बेसिकली जो चार्जेस हैं उनको हम दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है, वन इज डिस्क्रीट एंड अनदर इज कॉन्टिन्यूस। दो तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है, एक है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन और एक है कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। तो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हमारे पास जो चार्जेस हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। किसी भी अगर सरफेस की या किसी एक पर्टिकुलर लेंथ की बात करूँगी तो चार्ज है वो हमारे पास कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्क्रीट मीन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, कहीं है कहीं प्रेजेंट नहीं है, तो वो हमारे पास डिस्क्रीट हो गया। तो जब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास हम तीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हमारे पास कोई एक वायर है जिसकी लेंथ L है, अगर उस पर हमने पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करवाया, ऐसे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले ली। अगर हमारे पास कोई सर्फेस है, सर्फेस पर हमने कोई चार्ज है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करवाई है। सिमिलरली कोई वॉल्यूम है, हमने उस पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लिया है। तो जब हमारे पास लेंथ होती है, मींस किसी वायर पे चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो हम उसको कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारे पास क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। हमने बोला लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। अगर इस वायर की लेंथ एल है, इस पे चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, लैम्डा विल बी इक्वल टू Q बाय L। ये है हमारे पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मींस लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसके लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसी सर्फेस की, हमारे पास कोई भी एक सर्फेस है, सर्फेस पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसमें हम क्या कैलकुलेट करेंगे, किसी भी सरफेस पे हमारे पास फिर से पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस सरफेस का एरिया हम ए मान लेते हैं। अगर हमारे पास किसी सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसका एरिया, सरफेस एरिया हमारे पास ए है, तो हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में निकालेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, सिग्मा, विच इज़ चार्ज पर यूनिट एरिया। लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास, अगर किसी वॉल्यूम में पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम में पॉजिटिव चार्ज हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लिया, चार्ज क्यू है, मान लो इसकी वॉल्यूम वी है, तो हम लेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, रो। रो क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। फिर से अगर कोई लेंथ है, लेंथ में हमने बोला कोई लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम स्टडी कर रहे हैं, चार्ज जो है किसी वायर पे या किसी भी लेंथ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसमें हम क्या कैलकुलेट करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज का यूनिट कूलम पर मीटर, तो लैम्डा का क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर। सिमिलरली अगर हम सिग्मा की बात करते हैं, तो सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो ये आ जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये क्या आ जाएगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, कूलम पर मीटर क्यूब। तो ये तीन तरह की डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो बेसिकली हमें स्टडी करनी है। अगर हम इन तीनों की बात करें, तो हमने अभी तक सीखा है कि हम हर डेरिवेशन को या हर क्वेश्चन को हम डिफरेंशिएट करके फिर इंटीग्रेट करके कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में हमारे पास हम किन्हीं दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को स्मॉल कर देते हैं,
उनका डेरिवेटिव ले लेते हैं, फिर एट लास्ट उनको इंटीग्रेट करके कैलकुलेट करते हैं। तो सेम चीज़ हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं कि मान लो मेरे पास इस लेंथ में, मैं एक छोटा सा पोर्शन कंसिडर कर रही हूँ, इस पूरी लेंथ में हमने एक छोटा सा बेबी चार्ज कंसिडर किया है, स्मॉल एलिमेंट ऑफ क्यू, जिसको हम डी क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्यू क्या है? लेंथ पे टोटल चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका एक स्मॉल एलिमेंट हमने क्या कंसिडर किया? डी क्यू। जैसे हम डिफ्रेंसिएशन स्टडी करते हैं तो उसमें हम क्या बोलते हैं, अगर हमारे पास ये वायर है जिसकी लेंथ एल है, हम इसको कितने स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं? बहुत सारे स्मॉल पोर्शन में हम इनको क्या कर सकते हैं? ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर मैं एक स्मॉल पोर्शन की, वेरी स्मॉल, डीएल मींस हमारे पास स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ एल, इसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ एल, ये हमारे पास क्या आ जाता है? डीएल आ जाता है। तो मतलब हम इसका क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करके लेते हैं। हमारे पास डिफरेंशिएशन जब हम स्टडी करते हैं तो हमने सबसे पहली चीज़ सीखी थी, किसी भी क्वांटिटी का स्मॉल एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी। तो यहाँ पे अगर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर हमारे पास क्यू चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम क्या बोलेंगे? स्मॉल क्यू को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डी क्यू से। डी क्यू मीन्स स्मॉल चार्ज ऑन दिस लेंथ एल, तो वो हमारे पास क्या आ गया? डी क्यू आ गया। अब ये डी क्यू आया है, लैम्डा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। कितने पोर्शन में आया है? जैसे ये लेंथ का मैंने स्मॉल पोर्शन लिया डीएल, वैसे ही मैं इस लेंथ का स्मॉल पोर्शन लूंगी तो वो क्या बन जाएगा? डीएल। तो मींस डीएल चार्ज लेंथ में, डीएल लेंथ की पोर्शन में, मतलब एक बड़े उसमें लेंथ में, एक स्मॉल एलिमेंट हम जो लेंथ का ले रहे हैं उसमें कितना चार्ज हमारे पास है? डी क्यू। तो डीएल ने इनक्लोज किया डी क्यू, तो डीएल के पास कितना है? डी क्यू चार्ज है। तो डीएल के पास अगर डी क्यू है तो हम क्या लैम्डा को लिख सकते हैं? डी क्यू बाय डीएल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही सीखा था हमने प्लस वन में, जब हमने इतनी सारी डेरिवेशंस की तो हम क्या बोलते थे कि अगर हमारे पास कोई एक फॉर्मूला है तो उस फॉर्मूले में हम किन्हीं दो क्वांटिटीज़ को स्मॉल कर सकते हैं, आंसर पे कोई चेंज नहीं आता। तो हमने यहाँ पे दो वैल्यूज़ को स्मॉल किया, कौन सी की लेंथ एल में स्मॉल पोर्शन है डीएल और उसमें चार्ज है डी क्यू। तो लैम्डा हमें कैलकुलेट करना है तो वो कितना आ जाएगा? डी क्यू बाय डीएल आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये मेरे पास कोई सरफेस है उसमें हमने पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लिया है, तो अगर मैं स्मॉल पोर्शन का कैलकुलेट करूँ, इस स्मॉल पोर्शन का एरिया मेरे पास क्या होगा? डी ए। इस स्मॉल पोर्शन का एरिया क्या आ जाएगा? डी ए। चार्ज क्या है? क्यू। एरिया डी ए। तो यहाँ पे मान लो कि मैंने स्मॉल एरिया में स्मॉल चार्ज ले लिया, कितना? फिर से डी क्यू। पूरे में क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमने बोला एरिया का जो स्मॉल पोर्शन हम डी ए ले रहे हैं उसमें कितना चार्ज आया है? डी क्यू आया है। तो यहाँ पे ये सेम फॉर्मूला बन जाएगा, सिग्मा कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज डी क्यू बाय डी ए, और कहीं कहीं डी एस भी लिखा होता है। तो सिग्मा इज सर्फेस चार्ज डेंसिटी विच इज स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल एरिया। सिमिलरली अगर हम बात करें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की, तो हमारे पास कोई हमने ली वॉल्यूम जिसमें हमने बोला कि हमारे पास चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी वॉल्यूम V है, तो हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को भी सेम लिख सकते हैं कि इस स्मॉल V पोर्शन में, इतनी सी वॉल्यूम में, स्मॉल एलिमेंट ऑफ V विल बी dV। जैसे स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ एल डी एल है, ऐसे ही अगर मैं कुछ भी ले रही हूँ जिसकी वॉल्यूम होगी, हमने बोला इसकी स्मॉल पोर्शन, तो ये डी वी हो गई हमारे पास स्मॉल एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम वी, तो वो हमने डी वी ले लिया। अब इसमें कितना चार्ज आया है? इसमें चार्ज आया है हमारे पास डी क्यू, तो रो कितना आ गया? डी क्यू बाय डी वी। तो हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को भी ऐसे लिख सकते हैं। तो मींस एक आ गई हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक आ गई सरफेस चार्ज डेंसिटी और एक आ गई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब इसके बाद चलते हैं हमारे पास गॉस थ्योरम पे, गॉस लॉ पे, कि गॉस ने क्या लॉ दिया था। गॉस ने हमारे पास एक नई टर्म की बात की थी, वो क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमने 10th क्लास में मैग्नेटिज्म चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, कि हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास, अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहे हैं तो क्या आ जाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाता है। तो जब हम बात करेंगे
मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था? नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स, नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू द सर्फेस नॉर्मली, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। सिमिलरली मान लो हमने यहाँ पे कोई एक सर्फेस ले लिया, ये सर्फेस का सर्फेस वेक्टर किया है हमने, सर्फेस वेक्टर हमेशा कहाँ जाता है? आउटवर्ड्स एंड परपेंडिकुलर टू द सर्फेस। नंबर वन इज कि अगर आपको सर्फेस वेक्टर लेना है वो आउटवर्ड पॉइंट करना चाहिए, नंबर टू वो कैसा होना चाहिए सर्फेस के? परपेंडिकुलर होना चाहिए। नंबर वन आउटवर्ड्स, नंबर टू परपेंडिकुलर, नंबर वन आउटवर्ड्स, नंबर टू परपेंडिकुलर। तो ये मान लो हमारे पास सर्फेस वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सर्फेस आउटवर्ड्स। तो अब इस सर्फेस वेक्टर, इस सर्फेस में से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रही हैं। जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स सर्फेस से निकलेंगी वो बनाती हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू द सर्फेस नॉर्मली, मतलब यहीं पे ही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी अगर केस ले रहे हैं, नॉर्मली वो किसी ना किसी एंगल पे भी निकलती हैं, अगर वो जैसे सर्फेस वेक्टर आउटवर्ड्स जा रहा है वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आउटवर्ड्स पॉइंट कर रही हैं, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की भी मान लो डायरेक्शन अगर यही है ई वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी कैसे जा रही हैं? आउटवर्ड्स। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास है नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू द सर्फेस नॉर्मली। जितनी भी फील्ड लाइन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू द सर्फेस नॉर्मली, ये हमारे पास क्या बना देंगी? ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना देंगी। जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स परपेंडिकुलर टू द सर्फेस निकल रही हैं इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय फाइ, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय फाइ। फाइ क्या है? हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। फाइ को हमने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की रिप्रेजेंटेशन हमने सिंबल फाई से ली है। क्या है ये? फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सर्फेस नॉर्मली। बेसिकली फाई का हमारे पास फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनटू सर्फेस एरिया, जो जनरल फॉर्मूला है। बट अगर हम, जैसे अभी हमने सीखा कि हमारे पास यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो हम स्मॉल उनका कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास, हमने बोला कि अगर हम बोलें जो हमारे पास सरफेस एरिया है, जिसको आप ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, मैं देखना चाहती हूँ इस स्मॉल पोर्शन में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी। तो हमने ये सरफेस वेक्टर का स्मॉल पोर्शन लिया है डीएस वेक्टर। हमने क्या बोला है? ये पूरे सर्फेस का, जनरली तो सर्फेस वेक्टर एस वेक्टर से आ जाएगा, डीएस वेक्टर मीन्स कि मैं इस स्मॉल पोर्शन की बात कर रही हूँ कि इस स्मॉल पोर्शन में से हमारे पास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी। तो हमारे पास ये फॉर्मूला क्या होगा? अगर ई है, वैसे भी हमारे पास फ्लक्स जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मीन्स ये दो वेक्टर क्वांटिटीज का जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा? डॉट प्रोडक्ट होगा। दो चीज़ों को, दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को जब मल्टीप्लाई करते हैं, जब आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आती है, तो मीन्स स्केलर प्रोडक्ट हो गया। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। तो फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो हमारे पास ये ई वेक्टर है, डॉट एस वेक्टर है। तो यहाँ अगर हम दो एलिमेंट्स को स्मॉल करते हैं तो फाई कितना आ जाएगा? डी फाई। स्मॉल सर्फेस का, स्मॉल सर्फेस वेक्टर का जो फ्लक्स है वो भी कैसा हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। अगर कोई सर्फेस वेक्टर आप स्मॉल ले रहे हो, उसका जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो भी क्या होगा? स्मॉल होगा। मैंने बोला एक फॉर्मूले में किन्हीं दो को स्मॉल किया जा सकता है, तो एक फॉर्मूले में किन्हीं दो को स्मॉल किया, सर्फेस वेक्टर चेंज करेंगे तो हमारे पास उसमें क्या हो जाएगा? फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो अगर हम स्मॉल सर्फेस वेक्टर ले रहे हैं तो फ्लक्स भी क्या बन गया? स्मॉल बन गया। तो यहाँ पे फ्लक्स डी फाई इज ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये आ गया। अगर हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो फ्लक्स कितना आ जाएगा? ई डॉट डी एस। ये है फ्लक्स का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट सर्फेस एरिया जो हमने लिया उसका स्मॉल एलिमेंट,
फिर हमने लगा दिया इंटेग्रल, जब भी हमें स्मॉल से बिग पे जाना है, छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ती है। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू द सर्फेस नॉर्मली। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मींस अगर मैं दो चीज़ों का प्रोडक्ट लूंगी तो डॉट आएगा। दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर इज अ स्केलर, तो डॉट लगा दिया। मैंने बोला दो चीज़ों को स्मॉल करते हैं, सरफेस को स्मॉल किया, फाई को स्मॉल किया, तो ये आ जाएगा डी फाई इज ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अब इंटीग्रेट करेंगे फाई, क्या आ जाएगा, इंटेग्रल ई डॉट डी एस। ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब गॉस लॉ ने सबसे पहले क्या बोला कि अगर आपको किसी भी चार्ज का फ्लक्स निकालना है, अगर हमारे पास मान लो कोई पॉइंट चार्ज है क्यू प्लस क्यू, आपको इसका क्या निकालना है, हमें इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए कंडीशन नंबर वन उसने बोला कि आपको इसको एनक्लोज करना है। एनक्लोज करेंगे इस चार्ज को, एनक्लोज करो। पहला एक चार्ज है पॉइंट चार्ज, उसका फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो गॉस ने बोला ऐसे नहीं निकल सकता, ऐसे हम फ्लक्स नहीं निकाल सकते, सबसे पहले उस चार्ज को एनक्लोज करो। एनक्लोज करने के लिए हमने एक नया सरफेस, कौन सा है, गॉसियन सरफेस। गॉस ने एक सरफेस दिया, उसने बनाया गॉसियन सरफेस। उसने बोला एक चार्ज को एनक्लोज करके ही आप फ्लक्स निकाल सकते हो। क्यों? सरफेस बनेगा तभी तो सरफेस वेक्टर लेंगे। जब सरफेस ही नहीं होगा तो सरफेस वेक्टर कहाँ से आएगा? अब पॉइंट चार्ज को ऐसे ही ओपन छोड़ दो तो सरफेस वेक्टर तो है ही नहीं, सरफेस वेक्टर किसका होगा? तो सबसे पहले सरफेस बनाओ। तो सरफेस बनाने के लिए उसने बोला उसको इनक्लोज करो। इनक्लोज करने के लिए हम क्या लेंगे? गॉसियन सरफेस लेंगे। तो गॉस लॉ है, हमने बोला एक प्लस क्यू चार्ज है, उसको इनक्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे? गॉसियन सरफेस लेंगे। जब हम उसको इनक्लोज करने के लिए गॉसियन सरफेस लेते हैं, डिपेंड करता है आपका चार्ज कैसा है। जब पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के लिए जो सरफेस आता है वो हम कौन सा लेते हैं? स्फेरिकल। पॉइंट चार्ज के लिए हम कौन सा लेंगे? स्फेरिकल सरफेस लेंगे, गॉसियन सरफेस। तो डॉट डॉट मींस इमेजिनरी है, गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस हमने बनाया सिर्फ क्या कैलकुलेट करने के लिए, फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए। अगर यही चीज़ हमारे पास कोई एक लाइन है, लाइन के लिए हमें कैलकुलेट करना है, तो लाइन को भी इनक्लोज करना पड़ेगा। मान लो लाइन पे ऐसे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको इनक्लोज करना है। लाइन को इनक्लोज करेंगे रेक्टेंगल, ऊपर जो पॉइंट सोर्स है उसको इनक्लोज करेंगे स्फीयर, नीचे जो एक पॉइंट सोर्स है उसको इनक्लोज करेंगे स्फीयर। तो एट लास्ट क्या बन गया? एट लास्ट बन गया सिलेंड्रिकल सर्फेस। तो ये हमारे पास सिलेंड्रिकल सरफेस आएगा, गॉसियन सरफेस किसका? अगर कोई लाइन है। तो हमने बोला मान लो कोई पॉइंट चार्ज है, अब मुझे इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हमने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लिया। अब इसका जो सरफेस वेक्टर होगा वो कहाँ पॉइंट करेगा? सरफेस वेक्टर जाएगा आउटवर्ड्स। सरफेस वेक्टर कहाँ जाएगा? आउटवर्ड्स। ये आ गया आउटवर्ड्स। तो ये इसका सरफेस वेक्टर स्मॉल ले लिया डी एस वेक्टर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास पॉजिटिव चार्ज की भी आउटवर्ड्स जाती हैं। ये जा रही है आउटवर्ड्स, ये आ गया ई वेक्टर। अब ये तो बाय चांस ही दोनों सेम हैं। अगर हमने बोला कि पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी आउटवर्ड जाएगी, इसका सर्फिस वेक्टर भी आउटवर्ड जाएगा। सेम चीज़ यहाँ भी कर सकते हैं। हो सकता है हमारे पास कोई केस हो जिसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो किसी एंगल पे हो। ये है आपका सरफेस वेक्टर डीएस वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज मेकिंग एंगल थीटा। अगर वो एंगल थीटा बना रही है सरफेस वेक्टर के साथ, तो सेम चीज़ हम कैसे लिख सकते हैं? फाई इज इक्वल टू ई डॉट डीएस, तो ई डॉट डीएस हटेगा तो आ जाएगा ई डीएस कॉस थीटा। जैसे हमने यहाँ जनरलाइज किया कि अगर मान लो किसी एंगल पे है, डॉट का क्या मतलब है? एट सम एंगल। तो यही चीज़ हमारे पास डॉट हटा, डॉट हटाते ही एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। अब इस केस में एंगल क्या था दोनों का? जीरो। दोनों का एंगल क्या है? जीरो है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे। तो अगर दोनों का सेम एंगल है तो फाई आ जाएगा ई डी एस। अच्छा, ये अभी बताती हूँ सर्कल क्यों लगा रहे हैं हम। इंटेग्रल के साथ हम इनक्लोज करने के लिए
तो जब आप फ्लक्स निकालोगे हमने बोला गॉसियन सरफेस लेना है, चार्ज को एनक्लोज करना है, एनक्लोज करने के लिए जो इंटेग्रल होगा वो भी एनक्लोज्ड होगा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा एनक्लोज्ड सरफेस के लिए। फ्लक्स का फॉर्मूला इसके लिए आ गया EDS, बिकॉज एंगल इज जीरो, थीटा जीरो डिग्री है, तो EDS cos 0 1। यहाँ आ जाएगा EDS cos थीटा। इंटेग्रल में ये जो सर्कल बनाया है ये गॉसियन सरफेस की, हमने चार्ज को एनक्लोज किया है इसलिए क्लोज्ड सरफेस लिया है। तो सेम चीज यहाँ आ जाएगी, फ्लक्स phi इज इक्वल टू ई डॉट ds, एंगल दोनों थीटा जीरो बना रही हैं, तो आ गया EDS cos थीटा। ध्यान रहे जब भी हम ये सॉल्व करते हैं सबसे पहले इस डॉट को हटाया जाता है, और जब डॉट हटता है तो a डॉट b वेक्टर्स हटेंगे, मैग्नीट्यूड आ जाएगा EDS cos थीटा। ये a वेक्टर डॉट b वेक्टर है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर जब हम सॉल्व करते हैं वो आ जाता है ab cos थीटा। कितना आ जाएगा? ab cos थीटा। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज ab cos थीटा, मींस EDS cos थीटा। तो ये phi आ गया EDS cos थीटा, थीटा कितना है? जीरो। तो ये आ जाएगा EDS। तो ये हमने बोला कि हमारे पास क्या है? फ्लक्स है। अब गॉस ने क्या थ्योरम दी, गॉस ने क्या लॉ दिया? उसने बोला जो भी चार्ज एनक्लोज्ड होगा, अगर आपने पॉइंट चार्ज का फ्लक्स निकालना है, इसने बोला इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एन एनक्लोज्ड चार्ज कितना होगा? इन्होंने एक नया दिया, इन्होंने बोला 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड कितना होगा? अगर हमें किसी चीज का फ्लक्स निकालना है वो फ्लक्स कितना हो जाएगा? फ्लक्स विल बी, फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। गॉस ने क्या बोला? ये गॉस का लॉ था, उन्होंने बोला कि जो फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी 1/ε0 टाइम्स, 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड। फ्लक्स कैलकुलेट करना है किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए, मान लो तो हम किसी भी चार्ज के लिए जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे पास फ्लक्स कितना होगा? 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड, 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड। ये किसकी है? गॉस की है। एक रिलेशन हमने भी किया, तो तीनों इक्वल हो गए कि फाई को ऐसे भी लिख सकते हैं q/ε0, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E.ds। तो ये हमारे पास तीन रिलेशंस आ गए, मींस दो रिलेशन आ गए फाई के। तो फाई किसके इक्वल है? वन इज E.ds जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से आया, सेकंड जो गॉस ने लॉ दिया कि चार्ज की कंडीशन की उसको एनक्लोज होना ही पड़ेगा, तभी सरफेस आएगा, तभी सरफेस वेक्टर लगेगा, तो वो कितना होगा? 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड। चलिए बेटा, बाय।